हेलो माय डियर चिल्ड्रन, जय हिंद एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कसिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 9, क्वार्टर एंड हेल्थ हेल्थ एंड क्वार्टर। ओके, इससे पहले हमने जो पहले किया था वो कर चुके हैं हम प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, वो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके, टुडे टॉपिक इज कटिंग द केक। कटिंग द केक। रजनीज फादर ब्रॉट अ केक। रजनी के पापा क्या करते हैं, एक केक खरीदते हैं। सी डिवाइडेड द केक इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, और वो उसको 4 पार्ट में डिवाइड किए। फॉर हर सेल्फ, हर ब्रदर राजू, हर फादर एंड हर मदर। वो 4 पार्ट में करते हैं, अपने पापा के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने भाई के लिए और अपने लिए। ओके, कलर ईच शेयर विद डिफरेंट कलर्स, हाउ मच डज ईच गेट। कलर ईच शेयर, देखो ये एक केक है, इसको 4 इक्वल पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और ये कह रहा है कि अलग अलग जो आपकी रजनी है, रजनी के पापा हैं, रजनी का भाई है और रजनी की मम्मी जी हैं, उनके लिए जो पार्ट मिले उसको अलग अलग कलर से क्या करिए, सेट करिए। देखो इस टाइप से, लेट्स सी, ये रजनी का शेयर हो गया। ओके, ये रजनी के पापा का शेयर हो गया। ओके, ये आपका रजनी के ब्रदर का शेयर हो गया। ओके, और ये आपका रजनी की मदर का शेयर हो गया। ठीक है, ये रजनी का शेयर, ये रजनी के पापा का शेयर, और ये उसके भाई का शेयर, और ये उसकी मम्मी जी का शेयर। तो ये 4 इक्वल अलग अलग कलर हमने कर दिए हैं। हाउ मच डज ईच गेट, तो एक को कितना मिला, तो एक को मिला, देखो ये टोटल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4। अगर रजनी का शेयर लें एक को, तो इसको मिला 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट। इस टाइप से हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी। उसकी माँ क्या करती है, अपना शेयर रजनी को देती है। नाउ कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट। तो अब रजनी को कितना मिलेगा, तो रजनी को मिल जाएगा आधा, एक रजनी का शेयर ये और रजनी की मम्मी का शेयर ये। तो क्या कर देंगे, इस पार्ट को हम कलर कर देंगे, ये रजनी का शेयर हो जाएगा। इस टाइप से आप क्या कर दोगे, रजनी के शेयर को मार्क कर दोगे। ओके, तो ये शेयर रजनी का हो जाएगा, क्योंकि ये रजनी की मम्मी का शेयर है और मम्मी क्या दे देती है, रजनी को दे देती है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, हाफ पार्ट हो गया रजनी का शेयर। आउट ऑफ 4 पार्ट रजनी विल गेट, तो रजनी कितना होगा, देखो टोटल 4 पार्ट थे, ठीक है ना, और रजनी को कितना मिला, रजनी को मिले 2 पार्ट, 2 पार्ट। 4 में से कितने मिले, एक रजनी के लिए रजनी का, और एक रजनी की मम्मी ने भी रजनी को दिया, तो कितना हो गया आपके पास, 2 पार्ट हो गया, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द केक। तो कितने हो जाएगा, 4 पार्ट में से कितने पार्ट दिए, 2, तो 2/4, 4 2 1 2 और 2 2 4, तो 1/2 पार्ट। ओके, क्या हो जाएगा, 1/2 पार्ट, 1/2 पार्ट हो जाएगा। बिफोर रजनीज मदर गेव हर शेयर टू रजनी, सी हैड ओनली 1/2 ऑफ हाफ द केक विच वॉज 1/4 ऑफ द टोटल केक। ये कह रहा है कि रजनी की मम्मी का रजनी को देने से पहले उसके पास क्या था, 1/2 था, हाफ का भी क्या था, 1/2 था,
ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हाफ 1/2 का 1/2 वन पार्ट, द केक विच वॉज 1/4 ऑफ द टोटल केक, जो क्या था टोटल केक का 1/4 पार्ट था। कलर द रजनी शेयर, कलर द शेयर राजू गॉट, तो राजू को कितना मिला, तो राजू के ब्रदर, राजू का ये है उसके ब्रदर का ही है, तो राजू को कितना पार्ट मिला, राजू को मिला 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 1/4 पार्ट हो गया, ये राजू का शेयर है, राजू को ये मिला। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट। अब देखो रजनी को इतना पार्ट मिला, राजू को इतना पार्ट मिला, तो टोटल पार्ट कितने हो गए, तीन पार्ट मिल गए और बचा एक, ठीक है ना। तो टोटल शेयर कितना हो गया उनका, ये रजनी के शेयर हो गया, ठीक है, रजनी की मम्मी जी ने भी उसको क्या दिया, अपना पार्ट दिया, रजनी की मम्मी का शेयर था, ये रजनी के मम्मी का शेयर था, तो ये रजनी का शेयर हो गया टोटल, क्योंकि रजनी की मम्मी ने भी उसको दिया था, ठीक है ना। और राजू को कौन सा पार्ट मिला था, राजू को ये वाला पार्ट मिला था, ठीक है ना, तो राजू का ये पार्ट, तो ये 3/4 पार्ट क्या हो गए आपके, ये आपने अलग से कलर कर दिया। ओके, तो ये पार्ट रजनी के हैं, ये दो पार्ट रजनी, और ये हो गया राजू का शेयर, तो टोटल कितने हुए, टोटल पार्ट हो गया आपके 3 पार्ट, 1, 2, 3 पार्ट। ओके, नेक्स्ट इज ऑल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट आउट ऑफ 4, सो वी कैन राइट इट एज 3/4। उनको टोटल कितने पार्ट थे, 1, 2, 3, 4 पार्ट थे, फोर्थ में से 3 पार्ट क्या रजनी और राजू को मिल गए, तो उसको हम लिख सकते हैं 3/4। ओके, तो इस टाइप से हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीडी कुंडू। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, ग्रीडी का मीनिंग क्या होता है, लालची, लालची कुंडू, कुंडू इज अ ग्रीडी मैन, कुंडू एक लालची आदमी है। वेन एवर ही गोज टू द मार्केट ही वॉन्ट टू गेट मोर एंड मोर बट डजेंट वॉन्ट टू स्पेंड मच मनी। जब भी वो कभी मार्केट जाता है तो वो क्या चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे, बट पैसे खर्च नहीं करता है, ज़्यादा पैसे देना नहीं चाहता है। ओके, वन डे ही वॉन्ट टू ईट पम्पकिन हलवा, वो चाहता है कि पम्पकिन का हलवा बनाए वो। ही ट्राइज टू बाय अ बिग पम्पकिन विथ ओनली ₹10, वो चाहता है कि एक बड़ा सा पम्पकिन ₹10 में आ जाए। ही आस्क द फर्स्ट पम्पकिन सेलर द प्राइस ऑफ अ बिग पम्पकिन, पहले वो फर्स्ट सेलर से पूछता है कि एक पम्पकिन का वो कितना है, ठीक है ना, एक पम्पकिन का कितने रुपये का है। फर्स्ट पम्पकिन सेलर, फर्स्ट पम्पकिन सेलर बोलता है 1/4 ऑफ दिस पम्पकिन इज़ फॉर ₹10, ये कह रहा है कि इस पम्पकिन का जो आपको ये पम्पकिन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस पम्पकिन का 1/4 पार्ट आपका ₹10 का है। ओके, देन यू गो सेलर, तो वो कहता है कुंडू ई, कुंडू बोलता है इतना ज़्यादा ₹4, तो ये पहले यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ ऊपर देखिए 1/4 पार्ट ऑफ पम्पकिन इज ₹4, दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट, तो जब 1/4 कितने का है, ₹10 का है, तो कितने 1/4 होंगे, 4 होंगे, कितने होंगे, कितने 1/4 होंगे, 4 होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 × ₹4 = ₹40, तो फुल पम्पकिन कितने रुपीज़ का हो जाएगा, ₹40 का हो जाएगा। 1/4 पार्ट का मतलब है उसका ये चौथाई पार्ट, 1/4 पार्ट, यानी कि इसके 4 इक्वल पीस करें तो इसका एक पीस का क्या होगा, ₹10 होगा, तो 4 इक्वल पीस का कितना हो जाएगा, ₹40 हो जाएगा। ओके, कुंडू इह 4 × 10, वो बोला ओह इतना ज़्यादा ₹10 का, यू शुड गिव मी 1/2 ऑफ दिस पम्पकिन, आपको आपको 10 रुपीज़ का आपको कितना देना चाहिए, हाफ देना चाहिए, 1/2 पार्ट देना चाहिए इस पम्पकिन का।
फर्स्ट पंपकिन सेलर, फर्स्ट पंपकिन सेलर कह रहे हैं, देन यू गो टू द नेक्स्ट सेलर, आपको दूसरे सेलर पे जाना चाहिए। ही कैन गिव यू 1/2 ऑफ सच अ बिग पंपकिन फॉर ₹10, कि जो वो है आपको 1/2 दे देगा ₹10 में। आई कीप ओनली गुड क्वालिटी पंपकिन, मैं सिर्फ क्या रखती हूँ, अच्छे क्वालिटी के पंपकिन रखती हूँ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कुंडू वॉक टू द नेक्स्ट सेलर, कुंडू क्या जाता है नेक्स्ट सेलर पे जाता है एंड लुक फॉर पंपकिन ऑफ द सेम साइज, और देखता है कि उसी साइज का दूसरा पंपकिन को देखता है। कुंडू, हाउ मच ऑफ दिस पंपकिन विल आई गेट फॉर ₹10, ये कह रहा है कि मैं इस पंपकिन को कितने रुपये में खरीद सकता हूँ या ले सकता हूँ। सेकंड पंपकिन सेलर, हाफ, ये सेकंड पंपकिन सेलर बोल रहा है ₹10 में आपको हाफ मिलेगा। दिस फुल पंपकिन विल कॉस्ट, तो अगर ये 1/2 कितने का है, 1/2 आपका ₹10 का है, तो फुल कितने हो जाएगा, तो फुल के टू पार्ट होंगे, तो 2 × 10 इज़ टू ₹20, तो फुल पम्पकिन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, ₹20 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ₹20 हो जाएगा। कुंडू, ई वाई नॉट गिव मी 3/4, कुंडू कहता है ओह आप मुझे 3/4 क्यों नहीं दे देते। सेकंड पम्पकिन सेलर, रन अवे, यहाँ से भागो, गो गेट योर पम्पकिन फ्रॉम दैट मैन, उस दूसरे आदमी से आप ये पम्पकिन खरीदो। ही सेल्स सच बैड वेजिटेबल दैट ही विल इवन फ्रॉम गिव यू अ फुल पम्पकिन ऑफ दिस साइज फॉर ₹10, वो कह रहा है कि यहाँ से जाओ, ठीक है ना, उस दूसरे आदमी पे जाओ, वो गंदे वेजिटेबल को क्या करते हैं, वो करता है भेजता है यहाँ तक कि वो ₹10 में आपको फुल साइज का पम्पकिन दे गया। द ग्रीडी कुंडू वॉक टू द नेक्स्ट पम्पकिन सेलर, ग्रीडी कुंडू फिर दूसरे सेलर पे जाता है। ही लुक्स एट अ पम्पकिन ऑफ द सेम साइज, वो उसी साइज का पम्पकिन देखता है एंड आस्क्स हिम, विल यू गिव मी दिस बिग वन फॉर ₹10, क्या क्या आप मुझे इस बड़े पम्पकिन को ₹10 में दोगे। थर्ड पम्पकिन सेलर, वाई डोंट, क्यों नहीं, यू क्लाइम द रूफ ऑफ दैट हाउस, आप इस घर के रूफ पे क्लाइम करके ले सकते हो। यू कैन गेट पम्पकिन फ्री फ्रॉम द प्लांट इट्सेल्फ, आप वहाँ से प्लांट से सीधे ही फ्री में ले सकते हो। कुंडू इज वेरी हैप्पी, ही क्लाइम द रूफ ऑफ दैट हाउस एंड देन, वो क्या करता है उस घर की छत पे चढ़ता है और उसके बाद ये देखो कैसे गिर गया, इसके देखो स्लीपर्स कहाँ गिर गए, इसका जो पम्पकिन ले रहा था ये कहाँ गिर गया, और वो खुद क्या हो गया, नीचे धड़ाम से गिर जाता है, उसे चोटें आ जाती हैं। मज़ा आया ग्रीडी कुंडू के साथ। ओके, नेक्स्ट इज यूजिंग अ प्राइस लिस्ट, ये आपके आइटम है, ये उनके प्राइस है। टमाटो पर केजी ₹8 का है, 1 केजी ₹8 का है। पोटैटो ₹12 का 1 केजी, ऑनियन ₹10 का 1 केजी, कैरेट ₹16 का 1 केजी, और पम्पकिन ₹4 का 1 केजी। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच डज 1/2 केजी ऑफ टोमेटोज कॉस्ट, तो ये कह रहा है कि 1/2 केजी टोमेटो का कॉस्ट क्या होगा, तो देखो हम कैसे करेंगे इससे, लेट्स सी। देखो फर्स्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 केजी टोमेटो, तो 1 केजी टोमेटो का कॉस्ट कितनी है, इक्वल्स टू ₹8, और हमें निकालना कितना है, 1/2 केजी कॉस्ट ऑफ टोमेटो निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ 1/2 केजी टोमेटो इक्वल्स टू 1/2, और उसको किससे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 8 से, यहाँ नीचे 1 रख देंगे, 2 1 जा 2, 8 1 जा 1, अब 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 8 कितने टाइम्स आता है 2 के टेबल में, 2 1 जा 2, और 2 4 जा 8, 4 टाइम्स आता है, तो ₹4। तो हाफ केजी टमाटो कितने रुपीज़ का हो गया हमारा, ₹4 का। नेक्स्ट इज विच कॉस्ट मोर, 1/2 केजी ऑफ ऑनियन और 1
बाय 4 kg ऑफ कैरोट। तो ये कह रहा है किसकी कॉस्ट ज़्यादा है, 1/2 kg यानी कि 1/2 kg ऑनियन का ज़्यादा है या 1/4 kg कैरेट्स का है। ओके तो निकालते हैं, लेट्स सी कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन कितनी रुपीज़ का है। तो ऑनियन की कॉस्ट देखिए आप यहाँ पे, ऑनियन हमारा 10 रुपीज़ का 1 kg है, 10 रुपीज़ का 1 kg है। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन 10 रुपीज़, और 1/2 kg का कितना हो जाएगा, 1/2 × 10। इसके 1 रख सकते हैं क्योंकि 1 10 जा 10, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 2 1 जा 2 10 1 जा 10। अब 2 के टेबल में 10 कितने टाइम आता है, 5 टाइम। तो 1/2 kg ऑनियन का जो प्राइस है वो हमारा कितना आ गया, 5 रुपीज़ आ गया। कितने रुपीज़ आ गया, 5 रुपीज़। लेट्स सी अब देखो कॉस्ट ऑफ 1 kg का रेट कितने का है, 16 रुपीज़ का है, और 1/4 कितना हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg का रेट हाउ मच रुपीज़, 16। कॉस्ट ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरेट, तो 1/4 kg का निकालें तो 1/4 × 16, क्योंकि 1 kg कितने का है, 16 का है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 16 1 जा 16, और 4 1 जा 4, 4 के टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो ₹4 का हमारा कितना आ जाएगा, ₹4 का हमारा कितना आ जाएगा, 1/4 पार्ट आ जाएगा। तो किसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो ऑनियन की कॉस्ट ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे 1/2 kg ऑनियंस, ऑनियन कॉस्ट इज मोर। ओके तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 1/2 kg ऑनियन कॉस्ट इज मोर, तो ऑनियन की कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटोज। 3/4 kg पोटैटोज का जो कॉस्ट है वो कितना है। लेट्स सी कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटो हाउ मच रुपीज, हाउ मच रुपीज, 12। कॉस्ट ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटो, अब 1 kg का कितना है, 12 रुपीज़ है, तो 3/4 का कितना हो जाएगा। तो मैंने अभी कहा 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से, 12 के अपॉन में 1 रख सकते हैं। ओके 4 1 जा 4, और 12 3 जा 36। तो 36 फोर के टेबल में कितना टाइम आता है, 4 के टेबल में 9 टाइम आता है, 4 9 जा 36। तो 9 रुपीज़ का हमारा क्या हो जाएगा, 3/4 kg हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीर्ति इज गोइंग फॉर शॉपिंग। कीर्ति शॉपिंग के लिए जा रही है, सी हैज़ ओनली ₹10 20 विद हर, उसके पास सिर्फ कितने रुपये हैं, 20 रुपये हैं। ओके कैन सी बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट, क्या वो सभी चीज़ों को खरीद सकती है जो उसकी शॉपिंग लिस्ट में है। तो शॉपिंग लिस्ट में क्या खरीदना चाहती है, 1/2 kg ऑफ पोटैटो, 2 kg पम्पकिन, 1/4 kg कैरेट्स। तो देखो पहले इनकी आप कॉस्ट निकालोगे। अब देखो पोटैटो कितना है, 1/2 kg है, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो इक्वल टू कितना है, 1 kg पोटैटो 12 रुपीज़ का है, 12 रुपीज़, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ 1/2 kg पोटैटो इक्वल टू 1/2 × 12 इक्वल टू 12/2, 2 1 जे 2 2 6 12, तो ₹6। नेक्स्ट क्या खरीदना है उसको, 1/2 kg पम्पकिन, कॉस्ट ऑफ 1 kg पम्पकिन इक्वल टू ₹4, कितना है, 1 kg पम्पकिन ₹4 का है। तो कॉस्ट ऑफ 1/2 kg पम्पकिन इक्वल टू 4 × 1/4,
2 2 1 2 2 2 4, तो ₹2, 2 रुपये का उसके आधा केजी क्या जाएंगे, 2 रुपीज़ का उसका आधा केजी पम्पकिन आ जाएगा। अब देखो कैरेट 1/4 कॉस्ट ऑफ, अब हमने कैरेट का कॉस्ट निकाला था 1/4 का इसके पीछे, देखो तो 1 केजी कितने रुपीज़ का है, कैरेट 16 रुपीज़ का, 1/4 केजी कितने का हो जाएगा, तो 4 1 4 4 4 16 रुपीज़ 4। अब देखो टोटल कितना हुआ, 6 रुपीज़ का आपका क्या आया, पोटैटो आया आधा केजी, ठीक है ना, 2 रुपीज़ का हाफ केजी पम्पकिन आया, और 4 रुपीज़ का आपका क्या आया, कैरेट आया। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा 6 + 2 + 4, 6 2 8 8 4 12 रुपीज़। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस सी कैन बाय, वो खरीद सकती है। ओके नेक्स्ट इज मेक 2 क्वेश्चन योर सेल्फ फ्रॉम द प्राइस लिस्ट, आप यहाँ से 2 क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, व्हाट इज अ कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑनियन एंड हाफ केजी पोटैटो, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, व्हाट इज अ कॉस्ट ऑफ 2 केजी पोटैटो एंड 2 केजी पोटैटो एंड 3/4 केजी कैरेट। ओके तो इस टाइप से हम क्या बना सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, थैंक यू।